बहुजन समाज की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो भीम आर्मी है उसके साथ, तो मनुवादियों की चूल्हे हिल जाएगी। शानदार है सब कुछ, बहुजन समाज को इसी ताकत की जरूरत थी। और शुक्रिया कहिए चंद्रशेखर यादव रावण को, जिन्होंने आपको एकजुट कर दिया है। बस कुछ नहीं, मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, मैं बहुत खुश हूं। मैं पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूं सोशल मीडिया पर, टीवी अखबार की नौकरी छोड़ के। आज मुझे लगने लगा है कि अब बहुजन समाज की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो भीम आर्मी है उसके साथ। मुझे लगता है कि अब बहुजनों को डरने की जरूरत नहीं है। और आप जितने युवा ताल कटोरा में है, अगर इतने लोगों ने सिर्फ लिखना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर, तो मनुवादियों की चूल्हे हिल जाएगी। नेता तो हमारे जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे, क्योंकि संविधान में रिजर्वेशन है। हमें जरूरत है एक सामाजिक तौर पर मजबूत होने की, ताकि हम पर जो हमले हो रहे हैं वो रोका जाए। शुक्रिया आप लोगों का इस भरोसे के लिए। और देश ने देख लेगा आज कि भीम आर्मी के रूप में बहुजनों का सबसे ताकतवर संगठन है, जिसके नेता रावण है। और शायद अब हमको डरने की जरूरत नहीं है, संविधान बचाने की लड़ाई है। सबको एक बार फिर से शुक्रिया, और इतना जोर से जय भीम बोलिए कि ये छत उड़ जाए। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।